मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है स्थानीय खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं आशीष कुमार। आज हम लोग फरीदाबाद में हैं, सेक्टर 30, और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत ही जाने माने शख्सियत हैं और एक जाने माने ज्योतिष हैं। जी हां, एचआर शास्त्री जी से, जिन्होंने 2014 में भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार भी 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनावी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन आज जो हम इनसे बात करेंगे वो कुछ अन्य मुद्दों पर भी होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है एचआर शास्त्री जी। एक बार मैंने आपका परिचय तो दिया, लेकिन एक बार दर्शकों को अपना परिचय एक बार अच्छे से आप दें। नमस्कार दर्शकों, मैं एचआर शास्त्री, फरीदाबाद, सेक्टर 30, मकान नंबर 646। शास्त्री जी, मुझे आपसे एक चीज़ जाननी थी कि जैसे आप भविष्यवाणी आपने की है और आप लोगों के भविष्यवाणी करते हैं, उनकी भाग्य रेखा देखते हैं, कैसे डिसाइड होता है ये सब चीज़? देखो, ये सारी चीज़ें जो है वो जन्म कुंडली पर डिसाइड होता है। मोदी जी की जो जन्म कुंडली है मैं 2007 से देख रहा हूँ। 2007 के अंदर जब नरेंद्र जी मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, 1997 के अंदर जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हमने ये जो है इनकी भविष्यवाणी कुंडली देखी थी और उसी समय हमने भविष्यवाणी की थी कि शुक्र बनाएगा नरेंद्र मोदी को पुनः मुख्यमंत्री। और शास्त्री जी, जैसे कि एक सवाल और भी है, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है और हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे। कई बार लोग भविष्यवाणी के बारे में, ज्योतिष के बारे में सोचते हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या ज्योतिष भी एक विज्ञान है, इसका भी कोई विज्ञान से संबंध है? हाँ, ज्योतिष एक साइंस है जी। अगर अपन 2 और 2 4 का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 और 2 4 ही होते हैं, लेकिन अगर गलती से अपन जो है ना उसको 3 या 5 कर बैठेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसी प्रकार ज्योतिष अपने आप में सही है जी। लेकिन उसको ज्योतिष को जो देखने वाले जो है ज्योतिषी, वो गलत है। तो आज लोगों की ऐसी कुछ भावनाएं, कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, लोगों तो हमें फायदा नहीं हुआ, हमने बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखाया पर वो चीज़ ग्रह लगन या फिर ऐसी बातें? हाँ, वो ज्योतिषियों के कारण ही हो रहा है ना, वो सारा खेल जो है वो ज्योतिषियों के कारण है जो पब्लिक को गुमराह करते हैं। और आजकल तो आप देख रहे हो ज्योतिषियों के अंदर हवा आ गई, ज्योतिषी जो चैलेंज करने लगे कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा होना जाना कुछ नहीं है। ज्योतिष एक आईना है, ज्योतिष दिखा सकता है कि आपके साथ ये घटना घटित होने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योतिष वास्तविक में है क्या और इसके जीवन में कितने फायदे हैं और लोग किस तरह से अगर इस पर विश्वास करें तो अपने जीवन में इसे ढाल सकते हैं? हाँ, ज्योतिष एक साइंस है और साहित्य की दृष्टि से ज्योतिष जो है वो भगवान विष्णु की आंखें हैं। अच्छा, ज्योतिष का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो व्याकरण का शब्द बनता है ज्योत प्लस ईश। अति है ज्योति जिसकी, जिसकी ज्योति का कोई अंत नहीं है, तो वो है भगवान विष्णु की आंखें। भगवान विष्णु की आंखों का देखने का कोई अंत नहीं है, तो ज्योतिष जो है वो भगवान विष्णु की आंखें हैं। अच्छा शास्त्री जी, आजकल कैसे ज्योतिष सामने आ रहे हैं? आप लोग तो बहुत दिनों से इस लाइन में हैं, लगातार ज्योतिषों के सम्मेलन में आप लोग जाते रहते हैं। जब आप लोग ऐसे सम्मेलनों में जाते हैं, लोग वहां आते हैं और नए ज्योतिषों से भी आप मिलते होंगे, क्या नजर आता है आप लोगों में या फिर आजकल जो नए मतलब ज्योतिष आ रहे हैं? देखो जी, ज्योतिष अपने आप में सही है और जो पुराने ज्योतिषी हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं, नेपीतुली बातें करते हैं और ज्योतिष के विषय में बात करते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर इतने ज्योतिषियों की वो जो है वारसी आ गई है और वो जो करते हैं वो इतनी बकवास करते हैं जिसकी करने का कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है शास्त्री जी, कि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे हाथ दिखाने के लिए या फिर फेस रीडिंग मतलब जो होता है ज्योतिषी में, तो कैसी समस्याएं लेकर आते हैं लोग, परेशान होते हैं, तो आपका जो मार्गदर्शन होता है उन्हें किस प्रकार का होता है और आप कैसे उन्हें मतलब कि एक तरह से बताते हैं कि हाँ, ये अगर आप लाइफ में ऐसा करें, ज्योतिषी में अगर आप ऐसा करें तो आगे बढ़ सकते हैं? देखो जी, ऐसा है कि हमारे पास हर प्रकार का आदमी आता है ज्योतिष की गणना करवाने के लिए, तो हमारा मेन जो उनका देखने का जो है वो है होरोस्कोप। अच्छा, कुंडली देख के ही हम उसके बारे में बता सकते हैं। कुंडली मेन है। हाँ, अगर अच्छा, कोई मेरे से ये बोले कि पंडित जी मेरा हाथ देख के आप कुछ बता दो, तो मैं उसको ये कहता हूँ भैया मैं आपको 20% तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं 80% आपको बता दूंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट है ये मेरा, लेकिन मैं इसके बारे में जो है ना आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा।
तो ये थे एचआर शास्त्री जी, जाने माने ज्योतिष साहब को, जिन्होंने गणना इससे पहले भी की थी 2013 में ही, जैसे इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इस बार भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 23 मई को इस बार रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्या इस बार फिर से इनकी जो है भविष्यवाणी वो सच होती है, वो तो 23 मई को ही पता चलेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अनस के साथ आशीष कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।